नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। पहले ही दिन पीएम किसान सम्मान निधि फाइल पर किए हस्ताक्षर। मोदी मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल से भाजपा के दो सांसद सुकांत मजुमदार और शांतनु ठाकुर ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। सिक्किम में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। सिक्किम के नामचिंग के यांगांग में भूस्खलन के चलते 3 लोगों की मौत। विभिन्न जगहों में भूस्खलन के चलते कई घर मलबे में दबे। सिलीगुड़ी नगर निगम ने एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। 43 नंबर वार्ड अंतर्गत हिमाल शाहिद इलाके में एक अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा लोगों में किए जा रहे लड्डू वितरित। नीट यूजी परीक्षा का परिणाम अवैज्ञानिक तरीके से घोषित करने का आरोप लगाते हुए AIDSO दार्जिलिंग जिला कमेटी ने सिलीगुड़ी के कोर्ट मोड़ से निकाली प्रतिवाद रैली। एनजीपी थाना अंतर्गत शांतिपाड़ा इलाके में जोड़ापानी नदी से एक नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। शव को बरामद कर पुलिस ने शुरू की जांच। फुलबाड़ी 2 नंबर अंचल के जोड़ पाखुड़ी इलाके में खाली घर का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में एनजीपी थाना की पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शिकायत के 12 घंटे के भीतर चोरी हुए सोने के अलंकार बरामद। होड़ीबाड़ी में नदी से अवैध रूप से बालू तस्करी कर बिहार ले जाने के आरोप में बालू लदा 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। एक गिरफ्तार आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी में सिख गुरु अर्जन देव के शहीद दिवस के मौके पर आम लोगों में शीतल पेयजल का किया गया वितरण। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।